नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खोटे सिक्के बहुत पुरानी फिल्म है, जिक्र क्यों कर रहे हैं 8 तस्वीरों के बाद। इन 8 तस्वीरों के जरिए आज की खबरें हैं, 1 पैसा सस्ता हुआ है पेट्रोल, जी मजाक है बताएंगे। दूसरी तस्वीर, आईसीआईसी के चेयरमैन चंदा कोचर के खिलाफ जो पद का दुरुपयोग के जो उन पर आरोप लगे हैं, उस पर अब आईसीआईसी बैंक ने कहा है वो स्वतंत्र जांच अपने तौर पर करेगी। हर घंटे 9 करोड़ का नुकसान, 2017-18 में इस देश के सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों का ये हाल रहा है, हर घंटे इतना नुकसान था। दोस्ती की पतंग उड़ी है इंडोनेशिया पहुंचकर, और जिक्र कई बातों का हुआ है, लेकिन संबंध कितने प्रगाढ़ हैं इस दिशा में खासतौर पर यह पतंग है। कल नतीजे आएंगे, किसके नहीं, 10वीं 12वीं के निकल गए, कैराना के आएंगे, पालघर के आएंगे और 10 विधानसभा के भी आएंगे। हम सुबह से रहेंगे आपके साथ। नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, तेजस्वी का बहुत साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कभी इधर मचल रहे हैं कभी उधर मचल रहे हैं, कुछ नोटबंदी पे बात हुई, कुछ विशेष राज्य दर्जा देने की बात हुई, लेकिन ना दरवाजे हमारे बंद हैं, यह भी सियासत मान ली जाए। और प्रत्यार्पण की मांग भारत कर रहा है ब्रिटेन से, विजय माल्या और ललित मोदी को लेकर, अभी तक नीरव मोदी कहाँ इस बात का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मांग की गई है। मानसून सामान्य रहेगा, पूर्व में थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन बाकी समूचे भारत में सामान्य रहेगा। केरल में तो हिट 2 दिन पहले हो चुका है, लेकिन एक स्थिति ये बन रही है इन 8 तस्वीरों के जरिए। तो मास्टर स्ट्रोक से पहले ही आज हमने जिक्र कर दिया था खोटे सिक्के का। खोटा सिक्का कौन सा होता है? दिल्ली में अगर आप किसी फकीर को 25 पैसे या 50 पैसे दीजिए, वो लेगा ही नहीं, बोलेगा चलता ही नहीं है, तो जाहिर है खोटा सिक्का हो गया। गांव खेड़े में 10 पैसे का सिक्का दे के देखिए, वो नहीं लेगा, वहां 25 पैसे चल जाएगा। और अगर आपके हाथ में 1 पैसा दे दिया जाए तो उसका महत्व जानते हैं क्या होता है? जरा स्क्रीन पर देखिए, जी 4.5 बरस पुराना ये पोस्टर है। किसी ने सोचा था 1 पैसे की कीमत क्या होगी, लेकिन 1 पैसा धीरे धीरे 4-4.5 बरस के बाद, हालांकि 1 पैसे की कीमत तो 40 बरस पहले ही कम हो गई थी, लेकिन किसे पता था ये धीरे धीरे इतना बड़ा होते चला जाएगा कि लोगों के जहन में 1 पैसा इस रूप में गूंजने लगेगा कि जनाब 4.5 बरस पहले जिन बातों का जिक्र आप कर रहे थे वो छोटा हो गया और 1 पैसा, रुपए का 1/100 भी इस पर लिखा रहता था। 1 पैसे को मॉडल के तौर पर लगभग 5 बार बदला गया था आज़ादी के बाद से, कि 1 रुपए का सिक्का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये किसने सोचा था? और ऐसा होने का मतलब ये है, इस देश के भीतर जब 1 पैसे का जिक्र हो रहा है तो आज हम आपको बताते हैं कि ये सियासत, सत्ता किस तरीके से आम लोगों के साथ मजाक करती है और जनता के पैसे पर ये खुद कितना ऐश करती है। जरा पहली रिपोर्ट को देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आज दिखाएंगे। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि देश कुछ यूं ही चलता है, सारा पैसा जनता का सिवाय 1 पैसे के। जी, देश के जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री और जितने भी पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उन पर हर दिन 3.33 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खर्चे को ना जोड़ा जाए, और दूसरे छोर पर लिखा है 30 लाख रुपए, तो ये प्रतिदिन देश के राज्यपालों की सुविधाओं पर खर्च होते हैं, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है 1 पैसा। कैसा होता है 1 पैसा देख लीजिए, क्योंकि जिस पेट्रोल डीजल के जरिए अरबों खरबों रुपए मोदी सरकार से लेकर हर राज्य सरकार ने बनाए, कंपनियों ने बनाए, उसकी मार से आज जनता के लिए प्रति लीटर 1 पैसे आज कम किया गया। तो देश में 1 पैसे के सिक्के का चलन फिर से शुरू हो, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि देश के चुने हुए और हारे हुए सेवकों पर कितना खर्च हो जाता है। वाकई ये अजीबोगरीब विडंबना है कि जस पेट्रोल की कीमतों के आश्रय देश के 60 करोड़ लोगों की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है, उसकी कीमत में 1 पैसे की कमी की गई, और जिन्हें देश के लिए नीतियां बनानी होती हैं, वो बरसों बरस से अरबों खरबों रुपए रईसी में उड़ाते रहते हैं। मसलन आंकड़ों के लिहाज से समझे, देश में कुल 4582 विधायकों पर साल में औसतन 7 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह कुल 790 सांसदों पर सालाना 2 अरब 55 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होते हैं।
और अब तो राज्यपाल भी राजनीतिक पार्टी से निकलकर ही बनते हैं, तो देश के तमाम राज्यपाल उपराज्यपालों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। तो खर्चों के इस समंदर में प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के सीएम का खर्चा जोड़ा नहीं गया है। फिर भी इन हालातों के बीच अगर हम आपसे ये कहें कि नेताओं को और सुविधा चाहिए और रईसी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कुछ कहिए मत, अगली रिपोर्ट देखिए। जी, एक पैसा खोटा नहीं होता है, इस बात को ठसक के साथ आज कोई भी कह सकता है, लेकिन एक पैसा क्या किसी के पास है? और एक पैसे का मतलब क्या होता है, जब इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं इस देश में एक दिन में कितना खर्च किसी भी एक हिस्से को लेकर होता है। वो हिस्से आप देखते चले जाइए, जरा रिपोर्ट दूसरी देखिए। तो ये आंकड़े देश की रईसी की झलक है, देखते जाइए पढ़ते जाइए, क्योंकि एक दिन में पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी भर से केंद्र सरकार के खजाने में 665 करोड़ रुपए आ जाते हैं। राज्य सरकारों को वैट से 456 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। पेट्रोलियम कंपनियों को एक दिन में पेट्रोल डीजल बेचने से 120 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। प्रधानमंत्री के एक दिन के विदेश दौरे पर 21 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो केंद्र सरकार का विज्ञापनों पर एक दिन का खर्च तकरीबन 4 करोड़ रुपए है, और संसद चलाने में एक दिन का खर्च 15 करोड़ रुपए हो जाता है। तो बैंक के जरिए बट्टे खाते में डाले जाने वाली एक दिन की रकम होती है 22 करोड़ 40 लाख रुपए। क्या क्या गिनाएं, कैसे कैसे गिनाएं? तो चलिए यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम एक संदेश पर खर्च आता है 8 करोड़ 30 लाख रुपए। खैर छोड़िए इसे, कितने उदाहरण दिखाए जाएं। सिर्फ एक दिन में मुख्यमंत्रियों के दफ्तरों में चाय पानी पर 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब इस आंकड़े को देखिए, 16 दिन लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 17वें दिन आम लोगों को राहत दी गई एक पैसे की। जी, 17वें दिन पेट्रोल की कीमतों में एक पैसे की कमी हुई, और इसके लिए सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, या फिर इस भद्दे मजाक के लिए कोसा जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, एक पैसे से क्या होता है? नहीं भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बड़े बढ़ा देते तो ठीक था, कम करने से क्या फायदा? गाड़ी छोड़ दो, साइकिल से अप डाउन करो। और उस पर भद्दा मजाक यह भी कि आज सुबह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक कीमत 60 पैसे तक कम हो सकती थी, लेकिन बाद में IOC ने बयान जारी कर बताया कि तकनीकी चूक से गलत रेट वेबसाइट पर पोस्ट हो गई। लेकिन सवाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गलती का नहीं, सवाल तो उसी भद्दे मजाक का है जो आम लोगों के साथ किया जा रहा है। 10 लाख करोड़ की लूट और आज एक पैसे की छूट। 16 दिन लगातार तेल के दाम बढ़ाने के बाद पूरे देश में जब हाहाकार मची हुई है, तो ये सरकार इस तरह का मजाक देशवासियों से करती है, एक पैसा पेट्रोल के दाम पर घटाने का काम करती है। सवाल उस संवेदनशीलता और सरकार की कोशिशों का है, जिसे लेकर सरकार ने बार बार दावा किया कि कमर तोड़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जल्द कुछ बड़े उपाय किए जाएंगे। जहाँ तक तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, 2-3 दिन में कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। सामान्य लोगों को तेल की इस बढ़ती हुई दाम ना चुभे, बड़े संवेदनशील तरीका से उसको हम संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, सरकार यूं ही कहती है? क्योंकि सच तो यह भी है कि बीते 5 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की कमी आ चुकी है, बावजूद इसके एक पैसा कम। और जब कच्चा तेल महंगा था तब पेट्रोल उसकी वजह से महंगा था, और अब सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा, सिर्फ एक पैसे कम किए जा रहे हैं। सवाल दो है, पहला, क्या पेट्रोल डीजल के दामों में और कमी की अपेक्षा बेमानी है? दूसरा, अगर पेट्रोल डीजल के दाम अब और नहीं बढ़ेंगे तो क्या आप GST में लाने से लेकर वैट या एक्साइज ड्यूटी कम करने जैसे कदम आम जनता भूल जाए? तो सरकार का मंत्र जो भी हो, लेकिन सीधा मंत्र यही है, साम दाम दंड भेद, हम अपनी रईसी जारी रखेंगे और आपको एक पैसे दो पैसे इससे ज्यादा की छूट देंगे नहीं। यानी लॉलीपॉप थमाया भी जाएगा तो वाकई एक पैसे का ही होगा।
जितना बढ़ रहा है ना उतना बढ़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत। सरकार को इस्तीफा दे देता तो सरकारी तेल पर चढ़ना है कोई फर्क पड़ता नहीं है, पब्लिक जानती है क्या बीत रहा है। चुनाव जब आते हैं तब तेल स्थिर रहता है, चुनाव जाने के बाद फिर बढ़ा देते हैं। अच्छे दिन आते बोल के बोले क्या अच्छे दिन है, हम तो परेशान हो रखे हैं, बताओ क्या करा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक पैसे में कौन सा लॉलीपॉप आता है, वाकई कोई नहीं आता है। एक पैसा तो अगर किसी घर में खिड़की का अगर कील भी निकल जाए, वो ठोकने भी निकलिएगा तो एक पैसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक अनूठा सच आज आपको दिखलाते हैं। इस अनूठे सच का मतलब ये है, जिक्र एक पैसे का हो रहा है और रईसी आपने देख ली कितना किस पे खर्च होता है, बावजूद इसके सारी रईसी है फिर भी हमें जनता के पैसे पर सरकार का नुमाइंदा कभी आपने बनाया था लेकिन अब भी वो सुविधा चाहिए, इसकी भी होड़ इस देश में ही मचती है। तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रकवि दिनकर ने दिल्ली को कभी रेशमी नगर कहा था और देश का अनूठा सच यही, जितनी बड़ी दिल्ली है अगर उसे खाली कराकर देश के नेताओं के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है दिल्ली छोटी पड़ जाए, उनके बंगले उसमें ना समाए। रईसी और ठाटवाट होते क्या है तो आइए यह भी समझ लीजिए। लोकसभा राज्यसभा के कुल 790 सांसद, देश भर के कुल 4582 विधायक, देश के 35 राज्यपाल उपराज्यपाल, देश भर के सीएम और एक अदद पीएम, देश भर में हारे हुए या कहें पूर्व सीएम और तमाम नेता मंत्री, नेता के नाम चलने वाले ट्रस्ट, फहरिस्त बेहद लंबी है और लंबी होती जाएगी। पर जरा यह भी समझ लीजिए कि इन्हें तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं उसके अलावे एक अदद बंगला भी मिलता है। उस बंगले की जमीन को अगर जोड़ दें तो दिल्ली की 3.5 लाख एकड़ जमीन भी छोटी पड़ सकती है। तो ये नाम है उन मुख्यमंत्रियों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए पर बंगला नहीं छोड़ा। जी, सत्ता चली गई पर सरकारी भवनों पर काबिज रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इनमें से कई ऐसे हैं जो सरकारी भवनों में जमे रहना चाहते हैं और उसके लिए नए नए रास्ते टटोल रहे हैं। और कब्जे के इस खेल में न दलों का भेद न दिलों का भेद, मतलब नेता किसी भी पार्टी का हो, सरकारी भवन के मामले में सबका दिल मांगे मोर। और बात सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर बटे बंगलों की ही नहीं, तमाम नेताओं ने ट्रस्ट बनाकर भी सरकारी भवनों पर कब्जों का जाल फैला दिया है। मसलन उत्तर प्रदेश में 300 ट्रस्ट और संस्थाएं ऐसी जिन्हें सरकारी भवन मिला हुआ है और ये खाली करते नहीं। संपत्ति का ये ब्योरा उस पिता पुत्र की जोड़ी का है जो इन दिनों एक अदद घर की चिंता में घुले जा रहे हैं। जी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री लखनऊ में सरकारी बंगले मिले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले खाली करें। तो मुलायम और अखिलेश की बेचैनी बढ़ गई, बंगला बचाने के लिए तमाम जुगत लगाई पर रास्ता नहीं निकला तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए। मैंने यही कहा कि घर हम खाली करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें केवल समय चाहिए, क्योंकि लखनऊ में नेताजी पर भी कोई घर नहीं है, हमारे पे भी कोई घर नहीं है। तो 4 बरस पहले जिनके पास 24,80,00,000 रुपए की घोषित संपत्ति थी, वो अगर ये कहे उन्हें सरकारी बंगले में इसलिए रहने दिया जाए क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं, तो इसे जनता की गाड़ी कमाई पर ऐश न कहा जाए तो क्या कहा जाए। वैसे रईस समाजवादियों के पास छत नहीं ऐसा भी नहीं है। मुलायम सिंह के नाम लखनऊ के गोमती नगर में तकरीबन 71,00,000 का बंगला है, इटावा में 2,45,00,000 रुपए की कोठी है, तो अखिलेश के पास लखनऊ में ही तकरीबन 1.5 करोड़ का प्लाट है। पर सवाल सिर्फ बंगले का नहीं, सवाल तो यह है कि कमोवेश हर राज्य में नेताओं के पौबारा है, सत्ता किसी की भी रहे नेताओं की रईसी में कमी होती नहीं। और नेताओं ने मिलकर आपस में यह सहमति भी बना ली कि नेता जीते चाहे हारे उसे जनता का पैसा मिलते रहना चाहिए। जी, अगर आपने किसी सांसद या विधायक को हरा दिया तो उसकी सुविधा में कमी जरूर आ जाती है पर सुविधाएं बंद नहीं होती। मसलन सांसद हार जाए तो भी हर सांसद को 20,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है, 10 एयर टिकट तो सेकंड क्लास में एक साथी के साथ यात्रा फ्री मिलता है, टेलीफोन बिल भी मिल जाता है। और हारे हुए विधायकों के बारे में तो राज्य सरकार ज्यादा सोचती है, तभी तो हर पूर्व विधायक को 25,000 रुपए की पेंशन जिंदगी भर मिलती रहती है।
सालाना 1,00,000 रुपए का यात्रा कूपन भी मिलता है। सफर हवाई हो या रेल या फिर तेल भराकर टैक्सी सफर, महीने का 8,300 रुपया। और अगर कोई पूर्व सांसद पहले विधायक रहा हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलाकर दे दी जाती है, तकरीबन 45,000 रुपए और बाकी सुविधाएं अलग से। यानी जनता जिसे कुर्सी से हटा देती है, जिसे हरा देती है, उसके ऊपर भी देश में हर बरस तकरीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो जाता है और वो पैसा जनता का होता है, टैक्स पेयर का होता है। और जो सत्ता में रहते हैं उनकी तो पूछिए मत, दिन में होली रात दिवाली हमेशा रहती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, एक अदद नौकरी मिल जाए, उसके बाद पेंशन मिल जाए, उसके बाद ये सुविधाएं चलती रही। लेकिन सांसद विधायक इस देश में नुमाइंदा चुन लीजिएगा तो फिर सवाल यही आ जाता है, एक दिन भी आप रह लिए ना तो आपको जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी, सुविधाओं का अंत नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और सब आपस में मिलकर एक सहमति बना लेते हैं। फिर इस देश में ये सहमति क्यों नहीं बन पाई कि जो पेट्रोल डीजल सरीखी जरूरत की चीज़ें हैं उसको लेकर एक पॉलिसी हो, सरकारें आए तो पॉलिसी चेंज ना करें, वो जनता के हित के लिए हो, खजाना तो जनता के लिए है, सरकार का कौन सा खजाना, ये सारे सवाल आने चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे प्रोड्यूसर हमारे कान में एक जानकारी दे रहे हैं कि 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग जिसमें मायावती का घर था, कुछ देर पहले उन्होंने उसे खाली किया है। ये वो घर नहीं है जहां पर उन्होंने काशीराम ट्रस्ट का जो चस्पा कर दिया था वो नहीं है, ये दूसरा घर है, इसका असर नहीं है, वो उन्होंने तय कर लिया होगा कि खाली कर देंगे, संयोग है कि 9 बजे ही खाली हो गया। बहरहाल अब इससे आगे बढ़िए, हमने पॉलिसी का जिक्र किया, आपके पास सत्ता है, शोहरत है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, आपको नीति बनानी है, पॉलिसी कानून आपको बनाने हैं। दुनिया भर में हर देश को कमोवेश पता था पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, और यह भी पता है आगे भी बढ़ने वाली है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, भारत में सरकार को क्यों नहीं पता था या क्यों नहीं पता है। मौजूदा सत्ता तेल के पेंडुलम पर जा चुकी है। नवंबर 2014 के बाद मई 2018 के बीच का दौर ही सस्ते कच्चे तेल का हुआ करता था, और अब दुनिया को तेल बेचने वाले देश तय कर रहे हैं कि दुनिया में तेल की मांग कैसे बढ़े और तेल की कीमत कैसे बढ़े। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चंद दिनों में देश की इकोनॉमी के अरबों डॉलर डूब जाएंगे, क्योंकि कोई वैकल्पिक सोच सरकार के पास नहीं है, या फिर सस्ते में मिलते कच्चे तेल के दौर में खरबों रुपए की कमाई सरकार ने तो कर ली, खजाना भी भर लिया, लेकिन अब तेल महंगा हो रहा है तो इकोनॉमी संभाले नहीं संभल रही। यानी दुनिया का बाजार कहता है सस्ते तेल के दिन लद गए, सरकार का नजरिया कहता है सस्ते तेल का हम इंतजार करें। तो जरा दुनिया भर के हालातों के अक्स तले हालात को ही समझ लीजिए। गोल्डमैन सैक्स बैंक ने कहा तेल की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टैनली ने कहा कीमतें बढ़ेंगी, भारत ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहा है और ये आम लोगों के ऊपर भार पर भार डाली जा रहे हैं, तो क्या सरकार उम्मीद करती है कि लोग भंगड़ा डालें? ये एक पैसा अगर कीमत घटी है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की बैठक में इस साल तेल के उत्पादन में कटौती पर सहमति बनी। दुनिया को तेल बेचने वाले देशों ने आपूर्ति में कटौती की एक योजना पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया और बकायदा इसके लिए 17 महीने की मियाद तय कर दी, और फिर भी भारत ने ध्यान नहीं दिया। पेट्रोल डीजल की बात है, जीएसटी में जो है इसको नहीं लिया गया है, तो उससे भी इसका फर्क पड़ेगा। उसके बाद तेल बेचने वाले देश सऊदी अरब और रूस ने मिले जुले इशारे किए, भारत ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। सरकार कोई निर्णय नहीं ले रहा, पेट्रोल का दाम जहाँ घटना चाहिए था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये बीजेपी के सरकार में ज्यादा रेट होने से हमको परवड़ता नहीं है पेट्रोल डालना। हम लोग एकदम मार खा रहे हैं, एकदम से परेशान हैं। फिर बाजार के जानकारों ने कहा तेल बचाकर रखने वाले देशों के भंडार भी खत्म होने वाले। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी सेंटर के रिसर्चर एंटनी हाल्फ कहते हैं बड़े तेल भंडार जिनकी वजह से तेल की कीमतें काबू में थी अब खत्म हो चली है, पर भारत ने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या वाकई कोई वैकल्पिक इकोनॉमी की सोच बची नहीं है जहां सस्ते कच्चे तेल से कमाई हो और कीमत अगर बढ़ जाए तो फिर हाय तौबा। क्योंकि अगर वाकई मनमोहन सिंह के दौर में कच्चे तेल की कीमतें जब $110 प्रति बैरल तक हो गई, और अगर अब मोदी सरकार के दौर में ये स्थिति आ जाएगी तब सरकार क्या करेगी? क्योंकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का असर पड़ रहा है, 2,00,000 से 10,00,000 बैरल तक की कमी आएगी। वेंजुएला के राजनीतिक संकट का असर तेल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है।
वेंजुला ने ही बीते दो बरस में तेल उत्पादन में एक तिहाई तक की कटौती की, पर भारत के नीति निर्धारकों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि अगर वाकई तेल की कीमतें आसमान छुएंगी तो विकल्प होगा क्या, क्योंकि अभी भी जनता पर बोझ डालकर सरकार मस्ती में है और तेल कंपनियां कहती है हमने एक पैसा कम कर दिया। वैकल्पिक सोच, अल्टरनेटिव इकोनॉमी, ये वाकई कोई चीज होती है? 1991 में इस देश में प्रयोग किया गया पीवी नरसिम्हा राव के जरिए, भारत को एक बाजार में तब्दील कर दिया गया। इंडोनेशिया में आज प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिक्र किया भारत एक बड़े बाजार के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है, आप पैसा लगाइए, इस देश में आइए। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर का सच क्या है? हम पेट्रोल डीजल का जिक्र कर रहे थे तो आपके जहन में होगा सिर्फ मिडिल क्लास, जी नहीं, किसानों पर भी असर पड़ता है। जमीन के नीचे पानी खत्म हो चला है, आपको पेट्रोल डीजल चाहिए जिससे आप किसी ना किसी रूप में जमीन के नीचे से जब बोरिंग करेंगे पानी निकालेंगे कैसे? आप कहेंगे बिजली से निकालेंगे, ना हम लगातार दिखा रहे हैं बिजली नहीं पहुंचती है वहां तक। तो ऐसे में एक दूसरी थ्योरी पर आप काम शुरू करते हैं जिसमें किसानों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मुख्यमंत्री, उसके राज्य में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन, उसी ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, क्या कहते हैं सुनिए देखिए जरा। तो भला इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है? गोलियां चली थी, 6 किसान मारे गए थे ठीक एक बरस पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में, और एक बरस बाद उन किसानों की यादों को समेटे मंदसौर में क्या बदला, उन मारे गए किसानों के घरों पर क्या बदला, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश किसानों के घर गए। 6 जून को पिछले साल मारे गए अभिषेक, चैनराम, कन्हैया और बबलू, चारों ही किसानों के घर का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। आज सीएम मंदसौर गए, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए तो मंदसौर के किसान एक बार फिर आंदोलन के मूड में, और सीएम साहब उसी मूड को भांपने पहुंचे थे। 70 करोड़ रुपया पर हैरत तो इस बात को लेकर कि मंदसौर के मंच से ना तो मारे गए 6 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, ना ही उनको याद किया गया, ना ही नाम तक का जिक्र किया गया, और किसानों को कुछ मिला तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। इन बातों के अक्स में मारे गए किसानों के घरों में झांक कर देखा जाए, समझा जाए हालात क्या है। इन 6 किसानों का बलिदान खाली नहीं जाने देगा, अब जहां तक मांगे पूरी नहीं होंगी वहां तक किसान आंदोलन चलते ही रहेगी। तो ये पुलिस की गोली से मारे गए 18 बरस के अभिषेक के पिता हैं। बेटे की तस्वीर को निहारते हुए आज भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। मुआवजा तो मिल गया लेकिन जिन मांगों के लिए बेटे की जान चली गई वो आज तक पूरी नहीं हुई। और मांग क्या थी? 6 जून 2017 को फसलों का उचित दाम मिले, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, कर्ज माफी हो, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस हो, इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। बरस बीत गया, किसानों को ना उचित दाम मिले, ना ही फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा, कर्ज माफी को लेकर कोई ऐलान हुआ नहीं, सिर्फ बिजली के बढ़े हुए बिल कुछ वापस हो गए। और इन तस्वीरों को देखते सुनते मंदसौर के दिल में अपने 6 किसानों के लिए दर्द तो उठता ही है। पिछले साल मंदसौर गोलीकांड में जो 6 किसान मारे गए थे उनमें नायक गांव का चैनराम भी था। ये चैनराम का घर है, चैनराम के इस घर में उसके पिता, माँ और एक भाई रहते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि इस घर में हर तरफ गरीबी ही बिखरी पड़ी है। उनके गांव नया खेड़ा का जो रास्ता है उसके घुसते से ही वहां एक मूर्ति लगी हुई है जो चैनराम की है। तो क्या किसान चैनराम की मूर्ति बना देने और मुआवजा देने भर से किसान के परिवार की हालत ठीक हो गई? इस भाई का दर्द ठीक हो गया? इस पिता को खोया बेटा वापस मिल गया? नहीं, सहमत तो हम भी किसान है, हमने अपना भाई खोया तो कोई बात नहीं, पर किसान आंदोलन की बात है तो हम भी किसान है, हम इसका समर्थन करते हैं। और यही किसान कन्हैया लाल के साथ भी हुआ, उनकी भी मूर्ति लगा दी गई, मुआवजा दे दिया गया, पर मुआवजे से होगा क्या? पत्नी तो पति के मौत के बाद पागल हो गई। परिवार की हालत तो घिसता है साहब, उसकी मिसेज से माइंड से थोड़े खिसक गए, लोड पड़ गया उसके ऊपर, माइंड अपसेट हो गई, उसका इलाज चल रहा है। और मारे गए बबलू की माँ पूछती है दोषियों का क्या हुआ, एक बरस बाद उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? तो बच्चों सही रू जने बार बच्चा गोली लगाई माने जल्दी थी जल्दी फांसी सड़ाला साबे आंदोलन पेला। तो किसानों का दर्द अपनी जगह, मुख्यमंत्री शिवराज की रईसी अपनी जगह, और राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को याद करेंगे।
पांच महीने बाद ही तो चुनाव होने हैं, पर इन सब के बीच किसान क्या करे? जो मर गए उनके घर वाले क्या करे? वो चाहते हैं कि मिट्टी में पला है, मिट्टी में मर जाएगा, मिट्टी में दब जाए तो अच्छा रहे। मंदसौर से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। मिट्टी में पला है, मिट्टी में बड़ा है, मिट्टी में ही मिल जाए तो बेहतर है, सत्ता ऐसा सोचती है, ये एक आम जन सोचता है। और मिट्टी के नीचे की पानी भी सूख चुकी है, और किसी जिले में नहीं, मुख्यमंत्री का ही जिला है ये, तो वहां के लोग कहते हैं पानी दो नहीं तो मौत दे दो। ये मासूम बच्चा भी मरना चाहता है, इसे इच्छा मृत्यु चाहिए और इस बच्ची को भी मौत चाहिए। आप सोच रहे होंगे बच्चों को क्या हो गया, जो क ख घ लिखना चाहते हैं या ABCD तक ठीक तरह लिख नहीं पाते, इस उम्र में ये बच्चे मरना क्यों चाहते हैं? तो जरा इस चिट्ठी को पढ़िए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महोदय जी, हमारे ग्राम में सिंचाई एवं पेयजल की भीषण समस्या है। हम लोग विगत 20 वर्षों से कान्याखेड़ी जलाशय की मांग करते आ रहे हैं, परंतु जलाशय आज तक स्वीकृत नहीं किया गया। इस कारण हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और हम हताश हो चुके हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि या तो हमें जलाशय दें या हम किसानों को इच्छा मृत्यु दे दें। तो प्रधानमंत्री के नाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसानों ने ये चिट्ठी लिखी है, और इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले सीहोर के वही लोग हैं जिनके मुखिया और कोई नहीं बल्कि शिवराज सिंह है। जी, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह गृह जिला है, पर पानी की स्थिति इतनी खराब कि 24 गांव के किसान इकट्ठा हो गए, महिलाएं आ गई, बूढ़े पहुंच गए, जवान और बच्चे भी यहां पर पहुंच गए, और हर कोई गुहार लगाने लगा कि पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को कि इच्छा मृत्यु दे दे या फिर पानी दे। तो इच्छा मृत्यु मांगने वालों की तादाद आपके सामने है। किसान ने यह आवेदन पत्र भरा, इच्छा मृत्यु मांगी है। अब मैं ये सब इकट्ठा करके पूरा का पूरा रजिस्ट्री करेंगे प्रधानमंत्री के नाम। तो आष्टा विधानसभा के किसान बीते 20 बरस से पानी के लिए कान्याखेड़ी डैम की मांग कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह से किसान गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इच्छा मृत्यु मांग ली जाए क्योंकि पानी नहीं है? कान्याखेड़ी जो डैम है, 20 साल से लगातार किसान परेशान है, पीने पानी का नसीब नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। दरअसल सीहोर जिले के 24 गांव प्यासे हैं। कल्याणपुरा, कान्याखेड़ी, पैजाना, खामखेड़ा, नेमजाखेड़ी, बड़ौदिया, अवंतीपुरा, पलासी जैसे गाँव के नलकूप सूख चुके हैं। पानी के लिए महिलाओं को कोसों दूर जाना पड़ता है। इस गांव में पानी की बहुत समस्या है, बहुत बहुत दूर से पानी लाते हैं। और ऐसा नहीं कि कभी डैम के लिए पहल नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समय डैम के लिए सर्वे हुआ था, लेकिन तब से अब तक ना जाने कितना पानी बह गया, लेकिन सीहोर के गांव तक पानी नहीं पहुंचा। 15 बरस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह जिला जो उनका अपना है, कभी पलट कर वहां वो देखते नहीं। तो ऐसे में जनता क्या करे? मौत ही के आखिरी विकल्प। सीहोर से संवाददाता नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। हमने जिक्र किया था एक पैसे का, लेकिन संयोग ऐसा है कि एक पैसा तो खोटा है, लेकिन एक दिन में क्या 10-11 पैसे खोटे हैं या खोटे रुपए हैं? एक दिन की इतनी ही पेंशन मिलती है किसी को, जोड़िएगा तो महीने का बनेगा 350 रुपये। और सरकार है इसे भी नहीं दे पाती, बैंक हैं इसके लिए भी मुश्किल में डाल देते हैं, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। ये हैं 73 साल के हरिदास पेलेकर। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पत्नी टीवी की मरीज है, दो विधवा बेटियां हैं और उन बेटियों के दो बच्चे भी साथ रहते हैं। घर कैसा है आपके सामने है। हरिदास पेलेकर को सरकार की तरफ से निराश्रित पेंशन मिलती है 350 रुपये, पर इस 350 रुपये के लिए क्या खाएं और क्या गिनाएं? 350 देते हैं, हमारे कुछ नहीं होता है, न घर चलता है न कुछ चलता, पैसे बढ़ जाएगा तो कैसे अपना रुका सुखा चलाएंगे, 350 में क्या होता है, दवाई भी नहीं मिलती। हद यह है कि 350 रुपए की पेंशन भी बैंक से लेना कोई आसान काम नहीं। घर से बैंक जाने में ही 100 रुपए लग जाते हैं। रिक्शा वाले, टंगा वाले 50 रुपए लेते हैं, आने जाने के 100 रुपए लग जाते हैं, और फिर वहाँ बैंक में जाओ तो बैठा कर रखते हैं। परमेश्वरी यादव 12वीं पास है, कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर फर्स्ट डिवीजन में
12वीं पास की परमेश्वरी 80% दिव्यांग है तो उन्हें 500 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन इससे आगे की पढ़ाई हो नहीं सकती। पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। 6 भाई बहन होने की वजह से माँ इतना पैसा इकट्ठा कर नहीं पाती कि बच्चों को पढ़ा सके, और परमेश्वरी अपना दर्द बयां करते करते रो देती है। क्या होता है पर मन 500 मिलने से क्या होगा? चाहते हैं कि पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ाई नहीं, ऐसी स्थिति नहीं हम लोगों की कि हम लोग पढ़ाई कर सके, तो रोना तो आएगा ना सर, मतलब सपने पूरे नहीं होंगे तो इंसान रोएगा ही ना। परमेश्वरी नौकरी करना चाहती हैं, सरकार कोई भी मदद इन्हें दे, ये उसके इंतजार में बैठी हैं। इनके पास जो सिक्के पड़े हैं, कुछ चंद नोट पड़े हैं, दरअसल ये इनकी माँ और ये पैसा केवल इसलिए इकट्ठा कर रही हैं कि निराश्रितों का, दिव्यांगों का जो पेंशन है वो सरकार बढ़ाए। इसकी मांग को लेकर अब ये दिल्ली जाने वाले हैं। यदि आज उम्र दराज हो गए हैं, वो यदि आज निशक्त हो गए हैं, ऐसे लाचार बेबस मन के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में निराश्रित पेंशन एक छलावा है। लाभार्थी राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं और गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, पेंशन बढ़ाओ, पर कुछ होता ही नहीं। जो पेंशन मिल रही है उसे लेना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। लाभार्थियों को कभी 3 महीने तो कभी 6 महीने में पेंशन मिलती है, वह भी कई कई चक्कर लगाने के बाद। बैंक वालों के लिए 350 रुपए लेने वाले पेंशनधारी किसी प्राथमिकता में आते नहीं, तो फिर घंटों इंतजार करवाते हैं और पेंशनधारी करते हैं। या 3 महीना 4 महीना हो जाता है, हम लोग जाते हैं ना तो पैसा नहीं आया है, बाद में आना उसमें ऐसे करके बोलते हैं। जब 3 महीना हो जाता तो 1 महीना पैसा डालते हैं, अभी तो मेरे को 3 महीना हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक जाते तब बैंक में इतना तकलीफ है, तो सुबह कहीं 10 बजे के जाके बैठे है बैंक में धरना दे टाइप के, फिर भी वो बैंक वाला मन हाँ कहीं सुने नहीं। 1 लाख रुपए वाले मन पहली देखते, हमारे 350 रुपए वाले नहीं देखे। तो छत्तीसगढ़ के निराश्रित अब समझ चुके हैं कि राज्य सरकार के कानों में जू नहीं रेंगेगी। ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाने का फैसला किया। पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करना तय हुआ है, जिसके लिए चंदा जुटाया जा रहा है। ये बुजुर्ग 5-10 रुपए का चंदा ले लेकर जमा कर रहे हैं, ताकि देश की राजधानी में देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचाया जा सके और खुद पहुंचकर पहुंचाया जा सके कि देखिए आपकी पार्टी शासित राज्य में हमारी ही नहीं सुनी जा रही। प्रदर्शन की तारीख तय भी हो चुकी है और तय रखी गई है 2 अक्टूबर, जी गांधी जयंती। तो क्या रेशमी शहर दिल्ली में इन बुजुर्गों की फरियाद सुनी जाएगी? क्योंकि इन बुजुर्गों की आवाज में इतना दम भी नहीं कि वह चीख सके, चिल्ला सके। इनके हाथों में इतना दम नहीं कि तोड़फोड़ कर सके, बसों ट्रेनों को रोक सके, पुलिस रोके तो बैरिकेड पार करके चले जाए। ये बुजुर्ग है, शांतिपूर्वक दिल्ली आना चाहते हैं, उसके लिए पैसे का जुगाड़ हो रहा है और दिल्ली आने के बाद विरोध कैसे करेंगे यह भी सोचा जा रहा है। और तय यह भी हो रहा है कि राजघाट ही चले चलेंगे। 2 अक्टूबर का दिन होगा तो फिर महात्मा गांधी से ही पूछेंगे, आजादी मिली पर यह कौन सी आजादी थी? एपी न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी की हम रिपोर्ट दिखलाते हैं और बहुतेरे ट्वीट्स हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश से एक ट्वीट आया, जब हम मध्य प्रदेश की खबर दिखा रहे थे, उनका कहना है कि एक दिन आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के संकल्प पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र के पेज नंबर 33 के पॉइंट नंबर 6 में जो लिखा है उसे दिखा दीजिए। संविदा कर्मियों को रेगुलर कर देने का वादा किया गया, बरस दर्द बीत गए, कुछ नहीं किया गया और स्थिति ये आ गई कि इसे खत्म किया जा रहा है। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बीजेपी ने कहा था। हम छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, तो इस बात का जिक्र जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, इसका जिक्र घोषणा पत्र में था, देखिए जरा। जी ये छत्तीसगढ़ बीजेपी का 2013 का घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में पहले ही पेज पर साफ साफ लिखा है, निराश्रितों और बुजुर्गों की पेंशन दुगनी की जाएगी। 5 बरस बीत गए, वादा घोषणा पत्र में ही बंद है। और इसी घोषणा पत्र में लिखे इस नारे को भी देख लीजिए, गांव गरीब मजदूर। तो गरीबों का हाल आपके सामने है, निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों को
महज 350 रुपए पेंशन मिल रही है और 5 वर्ष में सरकार को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने वादे पर अमल कर सके। ऐसे में पेंशनधारी धरने पर बैठ गए और दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। 300 मिलता है, 350 लेने में 1000 रुपये तो जो देती तब है तो भाई 300 में का होते, इलाज करा सकत ना, वो खा नहीं सका था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में जो कहा था कि हम इसको दुगना करेंगे, तो दुगना तो उसने किया नहीं, सिर्फ 50 रुपये बढ़ाया, जबकि 500 और 600 होना था। तो जिन निराश्रितों को सरकार का सहारा मिलना चाहिए वो बेसहारा छोड़ दिए गए। लेकिन मुद्दा सिर्फ निराश्रितों की समस्या का नहीं, सवाल है कि क्या घोषणा पत्र को ही अभिवृद्धि का एक टुकड़ा मान लेना चाहिए या चुनावी वादों का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है सिंचाई के लिए तय बजट में 1095 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हो गए सरकार को नहीं मालूम। इतना ही नहीं, सरकार चुनावी लॉलीपॉप थमाते हुए अब 55 लाख लोगों को अब स्मार्टफोन तक बांट रही है, जिस पर सरकार का 1220 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। तो पैसे की कमी तो है नहीं, अलबत्ता इन बुजुर्गों के सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी आंकड़ों में 16 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 बरस या उससे ज्यादा है, वो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। लेकिन ये बुजुर्ग शायद वोट बैंक नहीं, तो सरकार क्यों घबराएगी? और जब घोषणा पत्र में लिख दिया तो लिख दिया, उसे पढ़ेगा कौन, और पढ़ेगा तो उससे होगा क्या? जी, उम्मीद फिर भी बंधी हुई है। दिल्ली आएंगे, यहाँ पर कोई तो बैठा है, तो इंतजार किया जाए। इन्होंने कई बार गुहार लगाई लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रायपुर में भी प्रदर्शन किया, सुनवाई नहीं हुई, तो अब दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी है, इसलिए 15-15 रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। भाग्यशाली हैं ये लोग, गुहार लगाते हैं, सुनवाई नहीं होती। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें मजदूर भाग्यशाली नहीं होता। अपने जिंदगी भर के खून, कमाई, मेहनत, सब कुछ एक फैक्ट्री को दे देता है और फैक्ट्री उसको एवज में देता है मौत। इस रिपोर्ट को देखिए। ये शव उस मजदूर का है जो 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी भर फैक्ट्री में अपनी हड्डियां गलाता रहा, लेकिन जब शरीर ने साथ देना बंद कर दिया तो इलाज के लिए पैसा जुटा नहीं सका। उत्तराखंड की बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले राजेंद्र को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला था। रुका हुआ वेतन, एरियर, पुराने भत्ते मिलाकर शुगर मिल पर राजेंद्र का तकरीबन 3 लाख रुपए बकाया था। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों से उसकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया तो मिल ने इलाज के लिए 50,000 रुपए देने से भी इनकार कर दिया। के लिए मैं काफी दौड़ भाग करी हमने 50,000 मिले, फिर जब साहब गाड़ी बंद करके चले गए और जाने के बाद वहाँ से फोन करा तो 15,000 रुपए में मिले। ये जो आदमी मरा है आज 3 महीने से सीए के पीछे घूम रहा है कि हमारे इलाज के लिए कुछ पैसा दे दो, लेकिन ना तो यहाँ के जीएम ने इसकी बात सुनी ना सीए ने सुनी। अपने साथी की मौत पर शुगर मिल के बाकी मजदूरों का गुस्सा भी फूट पड़ा और इस मिल के तकरीबन 1100 मजदूरों को पिछले 5 महीनों से वेतन मिला नहीं, और राजेंद्र की मौत के बाद भी राज्य के गन्ना मंत्री ने मात्र 1 महीने का वेतन दिलाने की बात कही, जबकि इसी शुगर मिल में 4 और मजदूर ऐसे जो खुद या उनके परिवार कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा और इलाज के लिए पैसे किसी के पास नहीं। 2 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक कोमा में है और एक को कैंसर हो गया। भाई पैसा इलाज के लिए पैसा नहीं, अधिकारी के पास जाते हैं तो डायरेक्ट कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम जियो या मरो। तो क्या मान लिया जाए सच यही, मजदूर जिए या मरे फर्क नहीं पड़ता, और जब तक उसकी हड्डियों में जान है काम लिया जाएगा, तो फिर सरकार का क्या? बाजपुर शुगर मिल पर 1100 मजदूर के तकरीबन 2600 करोड़ रुपए बकाया है और मिल मालिक ऐश करते हैं मौज करते हैं, और अपने ही पैसे के लिए मोहताज मजदूर राजेंद्र की तरह दम तोड़ते हैं या दम तोड़ते रहेंगे। बाजपुर से कमल जगाती की रिपोर्ट। तो घोषणा पत्र में लिख दिया जाए पूरा ना किया जाए, फैक्ट्री मजदूरी ना दे, और इन स्थितियों के बीच से निकलकर चलिएगा तो जनता क्या समझने लगी है कि मुआवजे से जिंदगी कट नहीं सकती, क्योंकि जो हालात देश के भीतर हैं उसमें मुश्किल है। बुलेट ट्रेन पर ब्रेक लगाने की कोशिशें हो रही हैं, इस रिपोर्ट को देखिए।
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो बुलेट ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में किसानों की जन सुनवाई चल रही थी, तभी किसान और उनके प्रतिनिधि नारेबाजी कर रहे थे। वो जन सुनवाई में अधिकारियों की बात से सहमत नहीं हुए और अड़ गए, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। बुलेट ट्रेन लाया उसको पूछना चाहिए, आप किसान के लिए बुलेट ट्रेन ला रहे हैं और किसके लिए ला रहे हैं वो उनको पूछना चाहिए। इसने गरीब को पूछा क्या, किसान को पूछा क्या? तो क्या बुलेट ट्रेन की कल्पना पर ब्रेक लग गई? क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाहते हैं 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगे, और इन सपनों के आगे किसानों की हकीकत यही कि उनके पास जिंदगी जीने के लिए अदद खेती की जमीन है, और जमीन देने के बाद जो मुआवजा मिलेगा उससे जिंदगी कितने दिन चल पाएगी, किसानों के सामने संकट यही है। डावड़े गांव, मेरे गांव में से ही बुलेट ट्रेन जा रही है, वैसा देखा तो मेरे हम लोग जो सेतकड़ी है उनको बुलेट ट्रेन का कुछ फायदा भी नहीं, हमें हमारी मांग भी नहीं है। दरअसल बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला के बीच चलनी है। बुलेट ट्रेन के रूट में ठाणे भी आता है, और बुलेट ट्रेन के दायरे में किसानों की कई एकड़ जमीन आ रही है। इसके लिए सर्वे किया गया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि दरअसल सर्वे तो कर लिया गया पर जमीन नहीं देंगे, और पुलिसिया दम पर उनसे छल किया जा रहा है। सर्वे के टाइम खेती करने वालों का सबका विरोध था, पुलिस प्रशासन का पावर लगा के ये सर्वे किया है। और इन सब के बीच सियासत भी जाग गई है, शिवसेना और राज ठाकरे की मन से पहले ही विरोध कर रही थी, अब वो किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई है। तो जब किसानों के साथ सियासत भी आ जाए और किसान गोली खाने को भी तैयार हो जाए, तो क्या वाकई बुलेट ट्रेन के लिए किसानों को इतना मुआवजा दिया जाएगा कि वो ताउम्र जी सकें, या फिर बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम भरी ही रह जाएगा? बैंककर्मी सड़क पर ऐसे मौके पर उतरे हैं अपने वेतन को लेकर, जिस मौके पर यह खबर आती है कि 9 करोड़ हर दिन फ्रॉड हो रहा था पिछले बरस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिस वक्त सरकार कहती है हम कम से कम बैंक चाहते हैं, यानी सारी चीज उंगलियों पर नचाना चाहती है। और इन सब के बीच इस बात का जिक्र हो रहा है कि बैंकिंग सर्विस अब पहले जैसी तो रही नहीं, अब तो स्थिति डिजिटलाइज हो रही है, और एक लिहाज से कहें तो बैंक क्यों रहें, ये सब सवाल इस पूरी दुनिया में उठने लगे हैं। बावजूद इसके आज बैंककर्मी सड़क पर थे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री भी आज विकास कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, उसके बावजूद भी हमको हमारा जो वेज रिवीजन है वो हमको नहीं दिया जा रहा है। इतनी सरकारी योजनाएं हैं जिनको लागू करने के अंदर सरकार के हर कदम पर उनका साथ दिया, जनधन योजना हो, मुद्रा लोन, आज इसकी बात की जा रही है कि 6 लाख के करीब लोन दिए गए, तो वो किसने दिए? बैंकों ने दिए। अभी किसी भी डिपार्टमेंट ने 2% वेतन वृद्धि का ऑफर ही नहीं किया। अभी इस शर्मनाक वेतन वृद्धि के विरुद्ध हम लोग फिलहाल आज और कल 2 दिन की हड़ताल पर। बैंक के तरफ से हर गवर्नमेंट स्कीम ये गवर्नमेंट तो अपनी इंप्लीमेंट करा लेती है, पर जब तनख्वाह देने की बात आती है तो ये गवर्नमेंट बहुत नीचे लेवल पर जाकर बात करती है। हम 2 दिन की हड़ताल पर बैठते हैं तो हमारी 2 दिन की तनख्वाह कटती है। हमको शौक नहीं है अपनी तनख्वाह कटवाने का, हमको शौक नहीं है चिलचिलाती गर्मी में एहतजाज करने का, मगर जब हमको मजबूर किया गया सड़कों पर आने के लिए हमारे पास तो और कोई चारा है नहीं। ये हमारे इंसल्ट कर दिए, जिस तरह से देश के अंदर महंगाई के दर बढ़ते जा रहे हैं और फैमिली चलाना मुश्किल हो रहा है। जो बैंक कर्मचारी ने 2 साल से जो अच्छा काम किया है अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, वो हिसाब से बैंक कर्मचारियों का सम्मान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर सरकार तो बेफिक्र है, बैंक कर्मी इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर हैं, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं यकीनन सारी कार्यक्रम योजनाएं बैंकों के जरिए लागू कराई जाती है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।